हमारे लिए आज की अनजील मुकदस मुकदस जोहना रसूल के मुताबिक इसका इक्कीस बाप एक से चौदह अयात मुकदसा और बाद अजा यसु ने फिर अपने आप को तबारिया के झील के किनारे शगिरदों पर ज़ाहिर किया और इस तरह ज़ाहिर किया कि शमान पत्र और तोमा उर्फ़ दिदमुस और कान जलील का नतैनल और जब्दी के बेटे और उसके दो और शगिर्द इकट्ठे थे शमौन पत्रस ने उनसे कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूँ उन्होंने उससे कहा कि हम भी तेरे साथ चलते हैं पास वो निकल कर कश्ती पर चढ़े मगर उस रात कुछ ना पकड़ा और जब सुबह हुई तो यसु किनारे पर आ खड़ा हुआ लेकिन शगिर्दों ने ना पहचाना कि ये यसु है तब यसु ने उनसे कहा ए नौजवानों क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है उन्होंने उसे जवाब दिया कि नहीं उसने उनसे कहा कश्ती की दहनी तरफ जाल डालो तो तुम पाओगे पास उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत के सबाब से खींच ना सके तब उस शगिर्द ने जिसे यसु प्यार करता था पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है पास शमान पत्रस ने यह सुनकर कि खुदावंद है चोगा कमर से बांधा क्योंकि चार जामा था और झील में जा कूदा और बाकी शगिर्दों मछली का जाल खींचते हुए कश्ती पर आए क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे बल्कि तकरीबन 200 हाथ का फासला था जो ही किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई देखी और रोटी भी। यसु ने उनसे कहा कि उन मछलियों में से लाओ जो तुमने अभी पकड़ी हैं शमान पत्रस ने झड़कर जाल किनारे पर खेंचा। ये एक सौ तिरपन बड़ी बड़ी मछलियों से भरा हुआ था मगर बावजूद इसके कि इतनी थी जाल ना फटा यसु ने उनसे कहा आओ नाश्ता कर लो शगिदम में से किसी को ज़रूरत ना हुई कि उससे पूछे कि तू कौन है क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है यसु आया और रोटी लेकर उन्हें दी इसी तरह मछली भी ये तीसरी मर्... मर्तबा था कि यसु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद शगिरदों को दिखाई दिया अनजिले मुक़दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदामंद की बरकत हो खुदा का शुक्र हो मैं फादर काशिफ गौरी माई कोयटा व से आज आप सबके साथ खुदा का कलाम बांटूंगा पाशकाय मौसम खुदा यसु मसीह के जी उठने की सबसे शानदार गवाही है जिसमें हम खुदा यसु मसीह के जी उठने का जश्न 50 दिन तक मनाते हैं और आज हम अंजिले मुकदस में देखेंगे जहां पर खुदा यसु मसीह अपने जी उठने को जी उठने के बाद रसूलों को मिलते हैं तबारिया के झील पर माउन पत्रस टोमा उर्फ ड नतानियल और जब्दी के दो बेटों और योहन्ना को दिखाई देता है खुदावंद मसीह का जी उठना ना सिर्फ शागिरदों बल्कि उस पूरे शहर और पूरी दुनिया के लिए एक बदलाव और तब्दीली का वसीला बनता है जब यीशु मसीह के इन शागिदों ने देखा कि मसीह की मौत हो गई है कबर में उतार दिया गया है बेशक ये जाते हैं खुदा यसुमसी की खाली क़बर को देखते हैं लेकिन जब तक जी उठा मसीहा इनको नहीं मिलता इनकी जिंदगियां नहीं बदलती ये वापस अपने कारोबार पर जाते हैं जाकर मछलियां पकड़ते हैं और अपनी ज़िंदगी फिर से रिस्टार्ट करते हैं ताकि जिस काम से ये बखूबी वाकफ हैं वो कर सकें लेकिन खुदावन यसु मसीह जी उठकर इनको मिलता है और आज है हम देखते हैं कि यीशु के बग़ैर जिंदगी क्या है और यीशु के साथ ज़िंदगी क्या है जो यीशु के जी उठने का तजर्बा कर लेता है जी उठे मसीह को मिल लेता है देख लेता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है और आज यीशु इनको तबारिया की झील पर जब मिलता है जब इनके लिए नाश्ता तैयार करता है तो इनको कहता है कि तुम ए नौजवानों क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को नहीं है उन्होंने कहा उन्होंने उससे जवाब दिया कि नहीं तो फिर उसने कहा कि कश्ती को दाहनी तरफ डालो जाल डालो और जब उन्होंने जाल डाले तो तिरपन मछलियां पकड़ी जो इस बात का जिंदा और वाज सबूत है कि खुदाउन यसु मसीह के साथ वो बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ सकते हैं और वो जाल जो है खींचते हुए कश्ती पर आए और मु, मुकद्दस शमौन पत्रस जो है वो कश्ती से छलांग लगाकर कर खुदाम यसु मसीह के पास आता है सब ने ये देख लिया जान लिया कि ये खुदाम यसु मसीह है जो हमसे बातें करता है जिसने हमारे लिए खाना भी तैयार किया है लेकिन किसी को जरूरत न हुई कि उससे बात कर सके क्योंकि शायद उन्होंने खुदाम यसु मसीह के हाथों को पाओं को देख लिया जिसमें ज़ख़म हुए थे और फिर वो जी उठ कर रूहानी सूरत में जब उनको मिलता है दिखाई देता है तो फिर यही शागिद आज की हम पहली तलावत में देखते हैं कि जो जाते हैं और फिर जाकर उसी जी उठे मसीह की गवाही देते हैं बड़े बड़े सरदार काहन और सदुकी उनको रोकने की कोशिश करते हैं उन पर आते हैं और उनको कहते हैं कि तुम क्यों उसकी मुनादी करते हो लेकिन जब वो जी उठे मसीहा को पहचान लेते हैं तो फिर पूरी दुनिया में जाकर इसका इकरार करते हैं और लोगों को बताते हैं और फिर सरदार काहन और फकी और काहन आज़म और जितने भी थे वो सारे जो हैं खुदा यीशु मसीह के खिलाफ अगरचे प्रोपोगंडा करते हैं और उनको बीच में खड़ा करके शगेदों को पूछते हैं कि तुमने किस कुदरत या किस नाम से ये किया है आज की तलावत में जब मुकदस पत्रस और दूसरे शगेद जो हैं वो एक पैदशी लंगड़े को शिफा देते हैं तब पत्रस रूल कुद से मामूर होकर उनसे कहता है कि उम्मत के सरदारों और बुजुर्गों तुमने मब्दी हयात के जी उठे मसीह को सलीब दी और तुमने उससे मारा गाड़ा सलीब दी लेकिन खुदा ने उसे मुर्दों में से ज़िंदा किया और उसी के नाम से ये तुम्हारे सामने जो पैदशी लंगड़ा है तंदुरुस्ती तंदरुस्तीहत्याबी पाता है फिर बड़ी ख़ूबसूरत बात करता है ये वही पत्थर था जैसे तुम मजबी सरदारों काहनों फकीयों, फ्रीसीियों ने रद्द किया और वो कोने का सिरा हो गया और फिर मुकदस पत्र से कहता है कि किसी दूसरे से निजात नहीं क्योंकि आसमान के नीचे आदमियों को कोई और नाम बख्शा ही नहीं गया जिसके वसीला से हम लोग जो है निजात पा सकें खुदा यसुमसीबी इस बात का बर्मला इकरार करते हैं कि क्या आसमान पर जमीन पर जमीन के नीचे हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा और आज मुकदस पत्रस भी ये कहता है कि कोई और नाम दिया ही नहीं गया और जब वो जी उठा है और जब वो निजात का बानी है निजात का मम्बा है तो हमें उसके हुक्मों पर अमल करके उसके जी उठने की गवाही को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाना है क्योंकि अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारा ईमान और हमारी मुनादी ये बेफायदा है लेकिन जब मसीह जी उठा है हम पाशकाय लोग हैं तो इसी जी उठे मसीह की हमने दुनिया में गवाही देनी है मुनादी करनी है बेशारत देनी है ताकि जिन तक आज तक खुदा जिनके पास आज तक खुदा का कलाम नहीं पहुँचा वो भी जी उठे मसीह का तजर्बा कर सकें और साथ ही हम मसीहों के लिए भी ये दर्स है कि जिस तरह मसीह जी उठा है वो हमसे मिलता है हमें भी जी उठना है ताकि हमारे वसीला से खुदा उनको मिल सके जिन तक आज आज तक मसीह नहीं पहुंचा और आज का कलाम बड़ा खूबसूरत जिसमें खुदा मसीह जी उठ अपने शागिदों को तकवी देता है आज दुआ करें कि उसका जी उठना हमारे ईमान में और हमारी जिंदगी में तकवीत का वसीला बने जो हम अक्सर डगमगा जाते हैं अपनी ज़िंदगी की कश्ती में हम बहुत सारी मछलियों के पीछे भागते हैं उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन जो यस्ु के नाम से मछली पकड़ी जाए वही सबसे बेहतरीन मछली वही सबसे बेहतरीन जाल वही सबसे बेहतरीन कश्ती है जो यस्ु के नाम और कलाम के लिए इस्तेमाल की जाए और हम अपनी जिंदगी की कश्ती को खुदा के स्पुरद करें ताकि उसका नाम हमारी ज़िंदगियों में जलाल पाए और हम उसी जी उठे मसीह के जिंदा गवाह बन जाए अगरचे ये बहुत मुश्किल है दुनिया में जाकर मसीह के नाम को इज्जत और चलाल देना लेकिन वो कहता है मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है जब वो जी उठा है तो जो उस पर ईमान रखता है मेरा यकीन है कि वो भी जिंदगी में नए सिरे से जी उठता है और जी उठ कर हम जो है फिर जी उठे मसीहा की अपनी ज़िंदगी में गवाही देते हैं तो आज खुदा से दुआ करें कि आज का कलाम हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े और जिस तरह मुकदस पालुस पत्रस ने जब्दी के दो बेटों ने नतानियल ने, ने और योहन्ना ने जाकर दुनिया में खुदा यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दी किसी भी चीज़ से ना डरे इसी तरह हम भी जी उठे मसीह का अपनी ज़िंदगी में तजर्बा करें और उसके जी उठने की गवाही दूसरों तक पहुँचाएं ताकि सब जी उठे मसीह पर ईमान लाएँ और उसके वसीला से अब दी और हमेशा की जिंदगी पा सके मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से